हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फिल्म बैडलैंड रोड टू फ्यूरी नामक एक एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं। इस फिल्म में दिखाया गया है कि अगर पृथ्वी पर पानी खत्म हो जाए तो इंसान पानी के लिए कितना गिर सकता है। फिल्म की शुरुआत में हम एक बंजर भूमि देखते हैं। जेरोम होल नामक एक युवक हमें बताता है कि उसने इस भूमि को तब नहीं देखा जब यह हरी भरी थी, लेकिन उसके पिता ने देखा है। सालों पहले यह कई किसानों का घर हुआ करती थी जो इस पर गेहूं और अनाज उगाते थे, और फिर सूखे के बाद भूमि पर एक भी पौधा नहीं उग पाया। अधिकांश किसान इस जगह को छोड़कर चले गए, लेकिन जेरोम के पिता अर्नेस्ट को उम्मीद थी कि भूमि फिर से पहले जैसी हो जाएगी। वह अभी भी मानते हैं कि इसे बस कुछ पानी की जरूरत है, लेकिन इस दुनिया में लोग पानी के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं। पहले सीन में हम दो लुटेरों को एक छोटे से घर में घुसने की कोशिश करते हुए देखते हैं। अर्नेस्ट उन्हें पकड़ लेता है और पहले को मार देता है। दूसरा लुटेरा उसे अपनी जान बख्शने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह चुपके से बंदूक निकालता है तो वह मारा जाता है। उसका बेटा जेरोम जोर देकर कहता है कि वह उसकी मदद कर सकता था। जिस घर में लुटेरे घुस रहे थे उसमें एक पुराना पानी का पंप है जो अर्नेस्ट द्वारा इस्तेमाल करने पर काम करना बंद कर देता है। पानी न होने के कारण पिता और पुत्र खच्चर पर सवार होकर वाटरमैन के पास जाते हैं। वे लोग जो सरकारी सौदे के जरिए गहरे कुओं से पानी निकालते हैं। अर्नेस्ट उन लोगों से अपनी भूमि के एक छोटे से हिस्से पर खेती करने के लिए पानी देने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अर्नेस्ट वाटरमैन को उतने पैसे नहीं दे सकता जितना वो मांग रहे हैं। वापस लौटते समय उनका खच्चर गिर जाता है और उसका पैर टूट जाता है। दोनों घर वापस आते हैं जहां जेरोम की बहन मैरी उन्हें खाना देती है। पानी की कमी के कारण हम देखते हैं कि मैरी मिट्टी से बर्तन साफ कर रही है। अगले दिन जेरोम और अर्नेस्ट सैम लीवर के नीलामी घर जाते हैं ताकि मरे हुए खच्चर की जगह कुछ और ले सकें। वहां सिमुलेट शैडो सिम नामक एक रोबोट वाहक मशीन उनकी नजरों में आती है। अर्नेस्ट फ्लेम लीवर नामक एक व्यक्ति के खिलाफ नीलामी जीतता है जो सैम का बेटा भी है। फ्लेम का मैरी के साथ संबंध है जो अर्नेस्ट और जेरोम को पता नहीं है। फिर दोनों जेरोम की बीमार माँ कैथरीन होल्म से मिलने जाते हैं। वह पास के एक अस्पताल में रहती है जहां वह एक विशेष फ्रेम की सहायता से चल सकती है। वापस आते समय अर्नेस्ट और जेरोम एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। हम देखते हैं कि अर्नेस्ट अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरने के बाद उसमें से एक घूंट पेट्रोल पी लेता है। फिर दोनों एक छोटे बच्चे के साथ एक दंपत्ति से मिलते हैं जो पानी की भीख मांग रहा है। पिता रॉबी बच्चे को बेचना चाहता है क्योंकि वे उसकी देखभाल नहीं कर सकते, लेकिन अर्नेस्ट उसे ऐसा ना करने की सलाह देता है और उसे बताता है कि वह पानी की व्यवस्था करने में उनकी मदद करेगा। एक सुबह अर्नेस्ट और जेरोम अपनी सिम मशीन को शेड से गायब पाते हैं। किसी ने उसे चुरा लिया था। अर्नेस्ट को लगता है कि यह फ्लेम था और वह उसके घर जाता है, लेकिन सैम से पता चलता है कि वह उस सुबह पहाड़ों के लिए ट्रक लेकर निकल गया है। अर्नेस्ट फिर उसे पानी वालों के पास ढूंढता है, लेकिन वे उसे बेहोश कर देते हैं। जब उसे होश आता है तो पानी वाले उस पर पानी की चोरी का आरोप लगाते हैं। अर्नेस्ट जोर देकर कहता है कि उसने उन्हें नहीं चुराया, लेकिन कालेब उस पर हमला करता है। वे कुछ देर तक लड़ते हैं, लेकिन अर्नेस्ट वहां से भाग जाता है। घर वापस आते समय वह देखता है कि फ्लेम सड़क पर सो रहा है और उसके बगल में सिम है। यह स्पष्ट है कि उसने मशीन और वाटरमैन के पानी को चुराया था। अर्नेस्ट ने उस पर राइफल तान दी, उसे बंधक बना लिया, फिर उसे मशीन से बांध दिया। वह फ्लेम को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वाटरमैन के पास वापस ले जाना चाहता है। थोड़ी देर चलने के बाद दोनों को प्यास लगती है। फ्लेम अर्नेस्ट को वाटरमैन के पानी का उपयोग करने के लिए राजी करता है। दोनों पानी पीने और बातचीत करने के लिए बैठते हैं। फिर फ्लेम अर्नेस्ट को उसे जाने देने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन अर्नेस्ट उसे पकड़ने के लिए अड़ा रहता है। अर्नेस्ट कमजोर और लंगड़ा है। वह स्पष्ट रूप से पानी वाले के पास एक और मील नहीं चल सकता। फ्लेम यह जानता है, इसलिए वह अर्नेस्ट पर एक पत्थर से हमला करता है जिससे उसका सिर एक चट्टान से टकरा जाता है। उसके सिर से खून बहने लगता है और वह बेहोश हो जाता है। अर्नेस्ट को होश आता है कि फ्लेम की जगह उसे बांधा गया है। जब अर्नेस्ट चिल्लाता है तो फ्लेम उसके मुंह में पानी डाल देता है। बाद में हम देखते हैं कि फ्लेम अपनी मोटरसाइकिल से मैरी को लेने के लिए अर्नेस्ट के घर पहुंचता है। वह खुशी खुशी उसके पास जाती है। अर्नेस्ट अभी भी घर नहीं पहुंचा है, इसलिए जेरोम उसे खोजने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे मशीन मिलती है। जब वह पानी वालों के पास पहुंचता है तो वे उसे अर्नेस्ट की मौत की खबर देते हैं। अर्नेस्ट की मृत्यु के बाद
फ्लेम अब परिवार का संरक्षक बन गया है। वह जेरोम को शांत करता है क्योंकि वह अपने पिता की हत्या के लिए सिम मशीन को जिम्मेदार मानता है। बाद में वह उसे बताता है कि मैरी उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और वह उससे प्यार करता है। जेरोम उनके रिश्ते को स्वीकार करता है और फ्लेम की शादी मैरी से हो जाती है और वह वर्तमान में अर्नेस्ट के घर पर जेरोम और मैरी के साथ रहता है। एक दिन उसके पिता सैम बैंक के कुछ लोगों के साथ उनके घर पहुंचते हैं और अर्नेस्ट के कर्ज के कारण भूमि लेने की धमकी देते हैं। फ्लेम के लिए कर्ज चुकाना बहुत मुश्किल है, इसलिए वह मशीन अपने साथ ले जाता है और उस रात अपने दोस्त रॉबी के पास जाता है। वह रॉबी के बच्चे को बेचने के इरादे के बारे में जानता है, इसलिए वह रॉबी को अपने साथ आने के लिए मना लेता है, बस यह देखने के लिए कि एक बच्चे की कीमत कितनी हो सकती है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो रॉबी को पता चलता है कि फ्लेम ने बच्चे को बेचने के लिए लोगों के साथ सौदा किया है। लोग बच्चे को छीनने की कोशिश करते हैं। रॉबी इसका विरोध करता है और फ्लेम द्वारा गोली मार दी जाती है। इससे वहां गोलीबारी होती है और फ्लेम पैसे लेकर भाग जाता है। हालांकि मशीन सिम को गोली लगती है और वह क्षतिग्रस्त हो जाती है। इससे मशीन में ऑटो मोड सक्रिय हो जाता है, जिससे यह अपने निर्माता केल्विन ह्यूमैन के पास वापस आ जाती है। अगले दिन फ्लेम बैंक को उस पैसे से भुगतान करता है जिससे उसने बच्चे को बेचा था। जेरोम को लगता है कि पैसा सिम बेच कर आया है, इसलिए किसी को कुछ भी संदेह नहीं होता। फिर वह उन्हें बताता है कि वह उस शाम अपनी माँ से मिलने जा रहा है, लेकिन इसके बजाय वह सिम के निर्माता केल्विन से मिलने के लिए सीमा पार करने की योजना बना रहा है। बाद में वह सीमा पर पहुँच जाता है, लेकिन गार्ड उसे रोक देता है क्योंकि वह सीमा पार करने के लिए बहुत छोटा है। एना नाम की एक लड़की उसे बुलाती है और उसे बताती है कि वह एक रास्ता जानती है जिससे वह दूसरी तरफ जा सकता है, और वह उसे सीमा पार करा देती है। फिर जेरोम केल्विन से मिलने जाता है। वहाँ केल्विन उसे मशीन के सभी कार्य दिखाता है। वह दिखाता है कि मशीन की आंखें कैमरे हैं और कैमरे ने वह सब कैप्चर किया है जो मशीन ने देखा है। फिर जेरोम रिकॉर्डिंग चलाता है और अर्नेस्ट के साथ रिकॉर्डिंग देखता है। जब वह इसे देखता है तो वह यह देखकर भयभीत हो जाता है कि फ्लेम ने ही उसके पिता अर्नेस्ट को मारा था। उस दिन अर्नेस्ट के होश में आने के बाद फ्लेम ने उसे मशीन से बांध दिया और उसे पानी वालों के पास भेज दिया। मशीन ने घायल लेकिन जीवित अर्नेस्ट को मौत के घाट उतार दिया था। वीडियो के अंत में जेरोम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शाम को वह घर लौटता है, लेकिन फ्लेम से किसी भी बात पर बहस नहीं करता। एक दिन फ्लेम और जेरोम हिरणों का शिकार कर रहे होते हैं, जिसके बाद जेरोम राइफल को अपने पास रख लेता है और उसे अपने बिस्तर के नीचे छिपा देता है। नाश्ते के समय जेरोम फ्लेम को बताता है कि रॉबी ने उसे बुलाया है। फ्लेम हैरान हो जाता है और जेरोम पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है, क्योंकि वह जानता है कि रॉबी पहले ही मर चुका है। बाद में फ्लेम को एक पत्र मिलता है जिसे जेरोम ने रॉबी के नाम से लिखा है। पत्र में फ्लेम से रॉबी से उसी जगह मिलने के लिए कहा जाता है जहां उसने अर्नेस्ट को मारा था। वह इससे चौंक जाता है, लेकिन वह यह पता लगाने का फैसला करता है कि रॉबी अभी भी जीवित है या नहीं। जब फ्लेम उस जगह पर पहुंचता है तो वह रॉबी को बुलाता है। चलते चलते वह एक गड्ढे में गिर जाता है और उसके पैर टूट जाते हैं। वह मदद के लिए पुकारता हुआ वहीं पड़ा रहता है। तभी जेरोम उसके सामने आता है। उसे वहां देखकर फ्लेम राहत की सांस लेता है और उससे मदद मांगता है। हालांकि जेरोम अपने हाथ में एक पत्थर लिए वहां खड़ा रहता है। फ्लेम को एहसास होता है कि उसे सब कुछ पता है जो हुआ था, और वह उससे माफी मांगता है, यह दावा करते हुए कि यह सिर्फ एक दुर्घटना थी। वह उससे मैरी और उनके बच्चे के लिए अपनी जान बख्शने की भीख मांगता है, लेकिन जेरोम उसकी बात नहीं सुनता। वह फ्लेम पर राइफल तानता है और उसे गोली मार देता है। इस घटना के बाद मैरी अपने पति के बारे में चिंतित है, लेकिन जेरोम उसे थोड़ा और इंतजार करने के लिए कहता है। उसने मैरी को अर्नेस्ट और फ्लेम दोनों की मौत के बारे में अंधेरे में रखने का फैसला किया है। मैरी ने सुझाव दिया कि वे अपनी माँ को घर ले आएं। फिल्म तब खत्म होती है जब जेरोम सिम मशीन से सारी वीडियो मेमोरी मिटा देता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें।